हे बॉयज, वी आर बैक इन पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड। भाई मैं अभी पता है एक और इंट्रो किया था उसमें एनिमल क्रॉसिंग मैंने बोल दिया था, इतना एनिमल क्रॉसिंग में खेल चुका हूँ ना इतनी देर से। बट या सॉरी गाइस, आई वाज नॉट प्लेइंग पोकेमॉन सोर्ड एंड शील्ड रैंडमाइज एंड नजलॉक फॉर वाइल। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी मैं नजलॉक करता हूँ ना तो यार पता नहीं क्यों मेरा मन हट जाता है बीच में। बट या मैन, दैट हैपन समटाइम्स विद मी। वेट वेट, वॉट इज दिस नॉट रैंडमाइज राइट नाउ? वॉट? क्योंकि वहाँ पर भाई कोई रैंडम पोकेमॉन आना चाहिए था, पर ओके लुक्स लाइक दिस इज नॉट रैंडमाइज फॉर सम रीजन। मे बी अगर मैं ये एरिया रीलोड करूँगा तो शायद सही हो जाएगा। ऐसा हो चुका है मेरे साथ पहले भी, लाइक होता रहता है, ऐसा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम लोग भाई जाएंगे यहाँ पर, तो आई थिंक यहाँ पे इंटेलियोन स्पॉन होते थे ना पहले, तो इंटेलियोन्स देखते हैं भाई स्पॉन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होंगे तो वी आर इन सम ट्रबल बॉय। ओके लेट्स सी। ओके इंटेलियोन स्पॉन हो रहे हैं, तो मतलब वही रहता है, कभी कभी वो काम नहीं करता है। बट या एज आई वाज सेइंग, सॉरी गाइस, मैं नहीं कर रहा था इतने दिनों से इसको अपलोड, आई एम वेरी सॉरी। भाई एनिमल क्रॉसिंग खेलने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, और अगर तुम नहीं देखते हो ना तो भाई देखो यार, वो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट वी आर बैक इन द पोकेमॉन वर्ल्ड नाउ, और हमें भाई पिछले बार हम लोग ने आई थिंक 3 जिम हरा दिए थे, तो लाइक हम लोगों को फायर बैज मिल गया है। कहाँ पर, कहाँ से देखते थे वो भाई? इतने टाइम से पोकेमॉन नहीं खेला ना कि थोड़ा पता नहीं चल रहा है कि भाई कहाँ पर क्या था। पर यार थोड़ा मेरे को रिफ्रेश हो गया हूँ भाई, मैं अब पोकेमॉन खेलने के लिए तैयार हूँ फिर से। ओके तो 3 बैजेस हमारे पास हैं, और हमको भाई अब जाना है हैमरलॉक बोलते हैं ना उसको, हैमरलॉक में जाना है हमें। तो ये मोटर स्ट्रोक था, वहाँ पे हमें जाना है सामने, और हमें कुछ नए पोकेमॉन मिलेंगे रास्ते में, तो हम वो भी पकड़ लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। या सही में स्टैटिक एनकाउंटर्स तो भाई, ओ शिट, ओके ओके ओके, दिस इज डेफिनेटली रैंडमाइज, क्योंकि भाई यहाँ पे म्यू आ रहा है। ओ शिट, व्हाट इज दिस मैन? क्रैमोरेंट जिसके मुंह में पिकाचू है। ओ शिट भाई, क्या है ये, तुम देख रहे हो भाई? ओ भाई यार, क्या सही लग रहा है भाई ये। ओके मैं इसको ऑफकोर्स नहीं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि ये पोकेमॉन जो है ना, ये लाइक ये बस एक स्प्राइट है मैन, समझ रहे हो? तो मतलब ये लाइक एक एक्चुअल पोकेमॉन नहीं है जो स्पॉन होता है, ये बस एक स्टेट है उस पोकेमॉन का। बट दैट इज फनी मैन, लाइक दैट एक्चुअली स्पॉन्स भाई, व्हाट द हेल मैन। ओ वेट, अरे नहीं, हो गया हमारा एनकाउंटर इससे, व्हाट? ओके मेरे को सही में लगा था कि नहीं होगा यार, बट व्हाट? ओके देन, ओके बॉय, तो आई थिंक मैं यहाँ पे एक पोकन पकड़ सकता हूँ ना भाई, मुझे याद भी नहीं है, पर मैं यहाँ पे एक पोकन पकड़ने वाला हूँ। आई डोंट इवन केयर राइट नाउ, इसको मुझे पकड़ना है यार, ये कितना सही लग रहा है भाई पोकेमॉन यार। अरे वैसे यार मेरे को भी याद आया, मैंने यहाँ पे भाई एनकाउंटर कर लिया क्रैमोरेंट को, क्रैमोरेंट नहीं सॉरी क्या नाम है उसका, क्राउडोंट को। अब म्यू भी कितने सारे आ रहे हैं भाई यहाँ पे, चलो निकलते हैं फिर तो यहाँ से, ये तो जगह भाई बर्बाद हो गई हमारी, और कुछ तो यहाँ पे पकड़ा नहीं जा सकता है ब्रो। और कितने सही सही पोकेमॉन होंगे यहाँ पे सोचो तुम, बहुत सही सही पोकेमॉन होंगे। देखो ऊपर ऊपर से तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है खास, बट आई एम प्रीटी श्योर मस्त मस्त वाले मिलेंगे ब्रो। अरे यहाँ पे भी हम लोग आ गए ना, यहाँ पे मैं अपना एक स्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ, लाइक स्पॉन पॉइंट क्या, फास्ट ट्रैवल पॉइंट सेट कर लेता हूँ, जिससे बाद में यहाँ पे आऊँ मैं तो फास्ट ट्रैवल कर पाऊँ मैं। हे गर्ल व्हाट्सअप, दिस इज वाइल्ड एरिया ब्रांच ऑफ द पोकेमॉन नर्सरी, वी आर जस्ट एज केपेबल ऑफ एज रूट 5, विल यू बी लीविंग योर पोकेमॉन टुडे? नेवर माइंड, आई वोंट बी। चलो हम तो भाई पहुँच गए ऑलमोस्ट हैमरलॉक में, एकदम चमकदार सिटी, सबसे बड़ी सिटी बोल सकते हैं ना इसको। अरे नहीं, सबसे बड़ी सिटी तो वो है भाई लास्ट में जो आती है, वाह भाई नाम भूल गया मैं उसका, क्या नाम था सिटी का, नाम क्या था भाई, ऐसे कैसे भूल गया मैं, बट वहाँ पे तो भाई पोकेमॉन लीग होती है, ऐसे कैसे भूल गया भाई। ओके इट वॉज कॉल्ड विंड ऑन या, एंड वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ हैमरलॉक। यहाँ पे दो बंदे खड़े रहते थे वो, अच्छा ये यहाँ पे हैं, ये तो डिगिंग डुओ टाइप का बंदा है, नहीं डिगिंग डुओ तो दूसरी तरफ है। ओके यस बॉयज, वी हैव अराइव्ड इन हैमरलॉक। जिम चैलेंजर, अलाउ मी टू चेक योर जिम बैजेस, द ग्रास बैज, द वाटर बैज, द फायर बैज, इट्स कन्फर्म दैट यू हैव डिफीटेड 3 जिम लीडर्स इंक्लूडिंग द जिम लीडर ऑफ मोटोस्टोक, आई विश द बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर फॉर द ब्ला ब्ला ब्ला। ओके ये बंदा भी आ गया यहाँ पे, इट्स यू, आई डाउट होप विल बी कमिंग, इट्स ओनली नेचुरल होप विल बी कमिंग आई गेस, या व्हाई डू यू थिंक ही विल नॉट बी कमिंग ब्रो? After such a humiliating defeat, there's no way he could look the champion in the eye. I'm sure he'll withdraw from the challenge. हाँ भाई, तेरे से हार के भाई क्यों विड्रॉ करेगा कोई भाई, खुद को पता नहीं क्या समझता है भाई ये। थैंक यू चैलेंजर पीडी, आई कैन कन्फर्म यू हैव द रिक्वायर्ड बैजेस, ये चीटिंग है ब्रो, कुछ तो गपला किया है इसने। एनी वे आई हैव अ मीटिंग विद द चेयरमैन, सो आई मस्ट एक्सक्यूज माई सेल्फ।
भाई इसको यूज किया था भाई चेयरमैन ने, जहां तक मुझे याद है। सो गंदा वाला यूज किया था भाई, इसको लग रहा था कि भाई विशिंग स्टार से कुछ अच्छा करने वाला है चेयरमैन, बट या वी ऑल नो व्हाट हैपेंड लेटर। क्या बात है भाई, ये सिटी बहुत ही प्यारी है भाई, पर इस सिटी को क्या बर्बाद किया था ना भाई फिर यार। एक्चुअली बर्बाद नहीं किया था, अगर बर्बाद करते तो और मजा आता ना, कुछ बर्बाद नहीं किया था वैसे तो। अगर ये लोग लाइक पूरी सिटी भाई तबाह कर देते, जैसे उसमें हुआ था ना पोकन एक्सवाई में यार, उसमें तो उन्होंने क्या तबाही मचाई थी। एक कौन सी सिटी थी भाई, उसमें पूरा गड्ढा कर दिया था उन्होंने यार। ऐसे एपिक सीन्स होते ना तभी तो मजा आता है। पोकन वाले कर सकते थे यार, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें एक पूरी सिटी तबाह कर सकते थे वो लोग। हे मिस्टर चेयरमैन, आई बीन कलेक्टिंग बोथ विशिंग स्टार्स एंड जिम बैजेस एज फास्ट एज आई कैन। और भाई यहाँ पर तो वाला सीन होने वाला है, वो बूढ़ी औरत का नाम क्या था, वो बूढ़ी औरत आने वाली, मेरे को नाम याद नहीं है उसका, बूढ़ी औरत आने वाली यहाँ पे, और भाई इसको ले जाएगी वो फिर। गुड वर्क बीडी, आई एम ग्लैड यू हैवंट फॉरगॉटन दैट इट वॉज द चेयरमैन हु एंडोर्स्ड यू। ऑफ कोर्स ओलियाना, कम ऑन, इफ आई गैदर्ड विशिंग स्टार्स दैट विल हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम दैट इज बीन बॉदरिंग यू, राइट चेयरमैन? प्रॉब्लम दैट हैज बीन बॉदरिंग यू चेयरमैन, ओ इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी, इट्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द होल गला रीजन। या श्योर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई वॉज एबल टू शो हॉप वन ऑफ द चैम्पियन इंडोर्स ट्रेनर्स जस्ट हाउ आउटलास्ट ही वॉज। आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डिफीट द चैम्पियन, नो आई विल डिफीट द चैम्पियन। अच्छा, आई वांट टू सी रोज क्या बोलता है इस। अच्छा, ओ दैट्स द स्पिरिट, इट विल टेक हेल्दी कॉम्पिटिशन, इट टेक्स हेल्दी कॉम्पिटिशन टू रियली कीप द जिम चैलेंज एनर्जाइज्ड। ए चड्डी पहन के यहाँ पे बता तू, आई हेट यू बॉय, आई होप यू वर लिसनिंग ऋषभ। एज यू नो विशिंग स्टार्स आर दोज मिस्टीरियस स्टोन दैट आर इवन अटैच टू योर डायनामिक्स बैंड। वेट, मैं लड़का बनाऊँ क्या सीरीज? ओके वेट, मेरे को याद है कि मैंने लड़की का कैरेक्टर लिया था ना। वेट ओके ओके, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर, देयर इज मोर टू विशिंग स्टार्स देन जस्ट मेकिंग अ पोकन इनटू जायंट्स दो। अच्छा, तो तू भी तो यही करना चाह रहा, तू और क्या करना चाह रहा था भाई? एक सेकेंड, तू तो भी यही करना चाह रहा था ना लास्ट में, वो तूने जलेबी बना दिया ना फिर इटर्नेटस को। ओके देन, हम लोग को भाई क्या करना है यहाँ पे? एक तो हमको लाइक आई थिंक रेहान को जाके मिलना होता है, आई एम प्रीटी श्योर हमें रेहान को जाके मिलना होता है। और हाँ, हमें अंदर भी तो चेक करना है भाई कि क्या है अंदर, तो वो लोग सीधा सीधा मना कर देंगे कि भाई बैचेस लेके आओ, है ना। ओके, वो डेडपूल खड़ा है भाई अंदर, ऑफकोर्स मैंने डेडपूल का मॉड डाला था भाई, मैं इतने मॉड डाले थे ना मैंने, मेरे को खुद याद नहीं भाई क्या क्या डाले थे मैंने। हमें लोग स्टेडियम डबल्स एज एन एनर्जी प्लांट। ओके, नाउ हैव अ लुक एट माई टैबलेट, आई हैव गॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड ऑन इट। अच्छा, इसने ऐसे एक्सप्लेनेशन की थी क्या भाई? मैंने नहीं सुना था ये। अच्छा, तो रोज टावर के, रोज टावर ही है ना ये, आई सी, एंड इजी टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनर्जी प्लांट। फर्स्ट एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम हैमलॉक स्टेडियम टावर। अच्छा, हैमलॉक स्टेडियम टावर ही है, इसके नीचे इसने वो मतलब वो प्लान बना रखा है अपना पूरा का पूरा। और यहाँ से फिर ये बोल रहा है कि सिटी में जाएगा, जो कि ऑफकोर्स नहीं जाएगा भाई। Our lives and society require various types of energy resources such as electricity, natural gas and water. ये भाई EVS क्यों पढ़ा रहे तू मुझे भाई? EVS नहीं पढ़ना मुझे भाई, सिक्स क्लास नहीं चल रही यहाँ पे, कम ऑन मैन। और ये उलियाना ने क्या फुसफुसाया तेरे कान में? वो इज टाइम फॉर मी टू गेट टू वर्क। ओके बॉय, थोड़े पैंट पहन के आना भाई अगली बारी। ओके चलो, अब यहाँ पे तो भाई मेरा काम हो चुका है ख़त्म। अब मेरा क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है? हेड टू द वॉल्ट नेक्स्ट, इट लाइज एल्सवेयर इन हैमलॉक। तो ये वॉल्ट में हम लोग जाएंगे, वहाँ पर रेहान मिलेगा हमें। ओके वेल, वी नो अबाउट ऑल दैट बॉय। हाउ मे पोकेमॉन लुकिंग दो? मैं कुछ लाइक हील करूँ क्या? ओके, हील करने की जरूरत तो है ब्रो, मैं क्रैमोरेंट से लड़ाई करके आया हूँ अभी। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं ब्रो, क्या कर रहा है ब्रो यहाँ पे तू? ऋषभ, सीम्स यू आर डूइंग वेल कलेक्टिंग द जिम बैजेस। यार मैंने इतने मॉड डाले है, मेरे को ये नहीं लगा कभी कि मुझे इसका जो केप है उसका मॉड डालना चाहिए यार। कितना सही लगता है इसका केप यार, ज़रूर से कोई मॉड होना चाहिए भाई इसके केप के लिए यार। मैंने पता नहीं क्यों नहीं देखा, मैं देखूंगा भाई अभी इसकी, इससे बात करके मैं देखता हूँ यार। ऋषभ, सीम्स लाइक यू आर डूइंग वेल कलेक्टिंग द जिम बैजेस। हाँ, या आई एम, बट हॉप, डिड समथिंग हैपन टू हिम? ही वॉज एक्टिंग रियली ऑड व्हेन आई रैन इनटू हिम। He took one look at me and immediately was like, I'm sorry, Lee. अरे भाई होप ऐसे ही सेंटी हो जाता है ब्रो, उसकी बात नहीं मानने का। He launched the challenge for BD, to BD, yes boy. Anyway, I'd say that you should go and say hello to Rehan while you are here. मैं वही करने जा रहा था, अगर तू इंटरप्ट नहीं करता मुझे, थैंक यू बॉय। ओके, सो अबाउट दैट केप, हम लोग जरा देखते हैं भाई है कि नहीं।
ओके, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ भाई, मुझे तो नहीं मिली, बाकी पता नहीं भाई, हो सकता है हो। अगर तुम्हें कभी कभी ली का लाइक मॉड मिले स्किन का तो मुझे ज़रूर बताना यार, मज़ा आएगा देखने में। पर यार वो तो फिर लाइक इनको खुद ही देना चाहिए था, ऐसा क्यों है कि इन्होंने नहीं दिया? सही बात है ना, इनको देना चाहिए था यार केप। केप तो लाइक बहुत ही बेसिक चीज़ें तो दे सकते थे ये लोग, पर फिर भी नहीं दी इन्होंने। वेल नेवर माइंड दो, मैं ज़्यादा आगे आ गया क्या? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैं ज़्यादा आगे आ गया हूँ? नहीं, ओके, देर इज रेहान, ही बॉय व्हाट्स अप, लेट्स सी व्हाट्स योर नेम अगेन। माय नेम इज जियो बॉय, चेक ऑन योर फोन। ऑल राइट ऋषभ, एंड इफ लियोन हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल देन आई गेस यू विल ग्रो इनटू क्वाइट द ट्रेनर। ये बॉय गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोकेमॉन बाय स्टडिंग हिस्ट्री सर्टेनली इज इन अ बैड आइडिया। चल भाई थोड़ा अपनी ट्रेजर दिखा दे तू, क्या क्या छुपा रखा है तूने इस ट्रेजरी में, देखते हैं ब्रो। वैसे तो कुछ ऐसा है नहीं भाई, हिस्ट्री है बस। पर इसकी भाई मेडल्स देखो भाई तुम, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, इतने सारे कप जीते हैं भाई इसने, और इतना बड़ा वाला भी है क्या? यहाँ पे लगता है कि कभी चैंपियन भी बना है क्या ये? चैंपियन लाइक बोलते तो ऐसे हैं कि हमेशा हार जाता ही है उससे, लाइक लियोन से हार जाता है। चलो भैया, अरे यहाँ पे तो सोनिया खड़ी है, भूल गया था मैं। आई डोंट रियली केयर अबाउट सोनिया एनी मोर। इफ़ यू प्ले एनिमल लाइक इफ यू सी एनिमल क्रॉसिंग वीडियोज यू विल नो मैन वाई, बिकॉज जियो हैज एंटर्ड आर लाइफ मैन। जियो इज द बेस्ट। अ डिजास्टर अकर्स द ट्रू बी वाइटेड यूथ्स। अरे ये तो हमें सब पता है स्टोरी ब्रो, वी नो दिस बेटर देन यू सोनिया। ये सब स्टोरी मैं सही बता रहा हूँ, इसकी जो मेन स्टोरी है ना, इससे बेटर स्टोरी भाई लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड की है सही में। अब बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे भाई, देखना होने तो भाई, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, जब सोच सच है वो तो सच है। लेजेंड ऑफ जेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड की जो रिच है ना भाई स्टोरी, लाइक उसमें वो मैं अभी जोरास डोमेन करके एक एरिया है उसमें आया हूँ मैं, और वहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जोरा। वही स्टोरी इससे ज़्यादा अच्छी है सही में। अगर लेजेंड ऑफ जेल्डा जिस टीम ने बनाया ना, अगर वो लोग भाई इसकी स्टोरी लिखें, तो भाई पोकन पता बदल जाएगा पूरा, तो हमारा एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगा, और चेंज हो जाएगा मतलब पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा तुम्हें। वेल नाउ दैट वी हैव टॉक टू हिम, आई थिंक हमें बस अब अगले साइड जाना है, या स्टोन साइड नेक्स्ट। ओके, ये बता तो एप्लिन मांगता है ना। हैव यू हर्ड द रूमर? आई हैव, या नहीं एक्चुअली आई हैवंट ही करना पड़ेगा, नहीं तो बताएगा नहीं है। ओके एप्लिन, या एप्लिन भाई हमें ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, शायद से इसको अपनी गर्लफ्रेंड को देना है, अभी है नहीं ब्रो मेरे पास, देखता हूँ बाद में। अब वो रैंडमाइजर में भाई स्पॉन होगा भी कि नहीं होगा ये भी नहीं बता सकते ना हम, तो पता ही नहीं है भाई। चलो भैया स्टोन साइड की तरफ निकला जाए। व्हाट अ क्यूट सिली कोबरा यार, ये मतलब यार ये टीम इतनी लेम है यार सही में, सिली कोबरा को परेशान करने में लगे, यानी कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ अच्छा, आंटी को जाने दिया पर सिली कोबरा को परेशान करेंगे, अरे भाई ये तो गली के छोकरे लग रहे हैं भाई मुझे सही में। ये भी आ गए, एक और टीम का मेंबर आ गया इनका। चलो भाई जल्दी से हराते हैं इनको भाई, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं कर पा रहे भाई ये। कमान मिस्टर निकल्स, शो योर आर्मर्ड म्यूटू पावर। अरे आर्मर्ड म्यूटू नहीं है अभी ये, वैसे निक्रोजमा म्यूटू फ्यूजन है ये, अभी मस्त लग रहा है वैसे, तब बुरा नहीं है। वैसे बता पोकेमॉन का नया गेम आने वाला है एक, लाइक एक साल में भाई वो लोग 4-5 गेम निकालते हैं, पर एक मेन टाइटल जिसके लिए बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं जिन्होंने बहुत पुराने पुराने गेम खेले पोकेमॉन के, वो है भाई पोकन स्नैप। उसमें कुछ नहीं है, तुम्हें फोटो खींचनी है पोकेमॉन की, तुम एक लेवल में जाओगे वहाँ पर तुम्हारी लाइक तुम्हारे एक गाड़ी होगी जिसमें तुम बैठे होगे, वो चलती रहेगी और वो रुकेगी नहीं, और तुम्हें बस फोटो खींचते जाने हैं और कुछ नहीं करना, फोटो खींचनी है बस। पर लाइक क्या होता है उसमें कि बीच में लाइक डाइवर्जन्स आ सकते हैं या फिर ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तुम्हें फिर उनसे बच के जाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ है भाई उसमें। लाइक ठीक है, मतलब मेरे को इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं लगा, बट फिर भी आई थिंक आई विल ट्राई इट आउट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। मैं ट्राई आउट करूँगा, देखेंगे भाई व्हाट इट इज़ अबाउट। पर इसकी प्राइस थोड़ी कम रखनी चाहिए थी इनको यार, पता नहीं क्यों इन्होंने भाई सेम प्राइस रखी है, 4,500 ऐसे कुछ रुपये रखी है उन्होंने, जो कि गलत बात है यार। मतलब एक ऐसा गेम जिसमें स्टोरी नहीं है और इतना महंगा है वो, यार सोचो गलत बात नहीं है। देन देयर इज नो पॉइंट इन स्टिकिंग अराउंड, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, वी विल मेक दिस बोथ सम किड्स हॉलर सम अदर डे। भाई लड़ाई करने का को कोई पॉइंट भी नहीं था वैसे ही, मैं बताऊं मैं एक सिली कोबरा के लिए लड़ाई कर रहे थे ये लोग, सीरियसली मैन।
आई रियली वॉन्ट टू सी कि मैंने क्या रिएक्शन दिया था जब मैंने पहली बार ये वाला सीन खेला था। तो प्रॉब्ली मैंने बोला के निकलो यहाँ से, सिली कोबरा को परेशान करो भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, अभी वो सांप है भाई, उसको सोने दो, यहाँ से निकलो भाई यार, क्यों परेशान ही क्यों कर रहे थे पहली बात तो। आई डोंट नो मैन, आई दिस जस्ट फील लेम टू मी नाउ, बहुत लेम फील हो रहा है अब। यू वन ऑफ द जिम चैलेंजेस एंड वॉज बाई लियोन, अरे ये यहाँ पे आ चुकी है ब्रो। अरे ऊपर वाला सीन आया नहीं यार फिर, अरे यार वो तब आता है हाँ जब हम लोग इसको हराते हैं और ये हमसे बोलती है कि मैं जा रही हूँ हैमरलॉक में, तो मैं भी मेरे से चलना ही कहता, उस टाइम पे आता है वो सीन, मेरे को याद आ गया भाई अब। चलो बूढ़ी अम्मा हम भी आते हैं तुम्हारी जिम पे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओके आई थिंक आज मैं कम से कम लाइक स्टोन साइड तो खत्म कर ही दूंगा, आई थिंक सो। एक स्टोन साइड का जिम नहीं खत्म करूंगा पर स्टोन साइड तक पहुंच जाऊंगा मैं। What? But I was eating, man. यार मैं खाना खा रहा था भाई, ये करते करते यार, तभी दो एक साथ दो काम नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते यार, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था यार इसमें, शिट यार। और ये भी बड़ी डेथ यार, डिटेक्टिव स्नगल्स को तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता था यार। कितने लेवल का है डिटेक्टिव? 31 लेवल का है यार, बाप रे। कौन है पोकन मेरे को याद भी नहीं, मैं सही में अभी ध्यान रोना दे रहा हूँ मैं भाई बैटल में। सीज को निकाल के देखता हूँ, आई थिंक या सोल रॉक है यार। सोल रॉक से कैसे हार गया यार वो, कम ऑन मैन, बबल बीम शुड डू इट। बहुत लो भी है यार वो, ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं उसको, कुछ डैमेज नहीं दिया उसने, डैमेज बहुत दिया। चलो बढ़िया भाई बढ़िया। कौन सीख रहा है भाई वर्ल्ड विंड? नाइरोबी सीख रही है क्या? सिखा देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। अच्छा वर्ल्ड, नहीं यार वर्ल्ड विंड नहीं सिखाना मेरे को, नहीं ट्रेन दो। चलो भैया अनीता तुमने बहुत बढ़िया काम करा दिया, पोकन फेंट करा दिया मेरा। ओ शिट यार ये तो डस्कलॉप से तो भाई इतना बड़ा ही है, इससे कैसे बचूंगा मैं, इसको तो छू के जाऊंगा मैं। डस्कलॉप लाइक डस्कलॉप पकड़ सकते हैं वैसे, उसकी क्या दिक्कत है, मतलब ऐसे पकड़ तो सकते ही हैं। ओए एक मिनट, नहीं तू मत छू जाइयो भाई, मैं बता रहा हूँ तुझे, अगर तू इधर आ गया भाई, वैसे तो बड़ा स्लो है ये, आना तो नहीं चाहिए। ओके गया, मैं अभी ऐसे ही जा रहा हूँ ऊपर। ए रुक जा, पर यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं करने को, नीचे ही जाना पड़ेगा यार। एक मिनट यार, ये फिर मेरे को पकड़ लेगा यार, एक मिनट। ओके रेस अगेंस्ट टाइम बॉय, ए बॉय ए बॉय यू नू बॉय, नहीं पकड़ पाया मेरे को। चलो डस्क, सॉरी डस्क नॉयर है इसका नाम, नेवर माइंड, डस्क नॉयर को पकड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। साइको कट शुड नॉट डू अ लॉट, थैंक यू पे बैक। अरे भाई साहब, नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, क्या हो गया भाई यार, ये क्या करा दिया भाई मैंने ये। अब तो हमारे पास चार ही पोकन बचे हैं ब्रो, एक हफ्ता पोकन ना खेल के सब मूव्स भूल जाते हैं क्या, हैं भूल जाता है क्या सारी टाइपिंग्स। ओके आई रियली मेस्ड अप दिस टाइम मैन, आई रियली डिड मेस अप दिस टाइम। आज तो भाई मेरे को लग रहा है कि डेथ के थ्रेट्स आने वाले हैं ब्रो, सही में ब्रो। लाइक कुछ तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि पोकन मर गए दो भाई, हो गया भाई अब क्या करें। लाइक और वैसे मैं बता दूं जिनको समझ में नहीं आ रहा भाई क्या कांड किया मैंने अभी, अभी मैं नज़लॉक खेल रहा हूँ, अगर इसमें कोई पोकन फेंट होता है तो उसको डेड माना जाता है और उसको हमें अंदर रखना पड़ता है बॉक्स के, तो टेक्निकली आई शुड बी कीपिंग दिस पोकन इन द बॉक्स राइट नाउ एंड आई विल बी ऑफकोर्स। और ये पोकेमॉन क्या है? अच्छा ये पोकन तो वो है जो मुझे वैसे मिले थे आई थिंक, ये तो चैलेंज पकड़ने पड़े थे मुझे और ये वाला मैंने उससे लिया था नर्सरी से। चलो फिर क्या कर सकते हैं ब्रो, लेट्स कीप देम इनसाइड। हमारे पास अब चार पोकन बचे हुए हैं जो कि मेन है हमारे पास। ओके दिस चैलेंज जस्ट गॉट अ लिटिल बिट हार्डर मैन, बिकॉज म्यूटू वॉज किलिंग एवरी सिंगल पोकन देयर वॉज, तो अब एक्चुअली चैलेंजिंग होने वाला है गेम, काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि हमें कुछ ऐसे पोकन के साथ हराना है गेम को जो इतने ओपी नहीं है मैन, ठीक ठाक पोकन है। वेल गाइस ऑन दैट नोट आई थिंक आई विल बी एंडिंग दिस एपिसोड, थोड़ा मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ भाई, पोकन नॉलेज अपनी वापस से रीगेन करता हूँ क्योंकि सही में मेरी जा चुकी है भाई ऊपर से। अब जब मैं एपिसोड एंड कर रहा हूँ मैं बस रिमाइंड करना चाहता हूँ एक बार कि भाई मैं प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हूँ और ना ही मैं बनना चाहता हूँ, मैं बस मज़े के लिए खेल रहा हूँ। आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। पोकन मर गए भाई, पोकन मर गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी भी हम लोग खेल सकते हैं आराम से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई सारे लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बट ओके थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।